सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लम जोन। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी जैसे कि मेरी रिसेंटली भाई रिएक्शन वीडियो डाला है मैंने होश गाना, जो कि बादशाह की रिट्रो पांडा ई एल्बम पार्ट वन से आया था। और हम करने जा रहे हैं इस एल्बम के पार्ट वन का लास्ट ट्रैक का रिएक्शन, जिस गाने का नाम है चमकीला चेहरा। देखते भाई ये गाना कैसा होने वाला है। और ये ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है और गाना बादशाह का है और इसमें कोई फीचरिंग है नहीं, ये सोलो बादशाह का, इसमें कोई भी फीचरिंग आर्टिस्ट नहीं है। और भाई आई होप यार इनकी म्यूजिक वीडियो भी आए, क्योंकि अभी जब मैं क्या बोलते हैं होश गाने का करो भाई, वो गाना अलग ही लेवल सेट कर रहा है भाई। पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यार। देखो अगर तुम कंपेयर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू, मतलब किसी और को लेकर कंपेयर कर रहे हो, तो भाई सबका जोन अलग है यार, सबकी वाइब अलग है। मेरे को पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद लगा, क्योंकि उसका जोन एकदम अलग है, ठीक है। और जैसे कि मैंने उसमें बात करी थी कि भाई ये आर्ट काफ़ी सारे अच्छे लग रहे हैं भाई, लाइक जैसे NFT सीजन चल रहा, तो इसमें भी थोड़ा अलग आर्ट वर्क है। उसमें पिंक था, इसमें ग्रीन है भाई, अलग ही सही है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा सही है। तो फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधा गाना सुनेंगे और देखते भाई गाना कैसा रहने वाला है। और लास्ट में हम बात करें कि ये जो पार्ट वन है रिट्रो पांडा का, इसमें बेस्ट गाना कौन सा लगा। चार ही गाने हैं और इसमें से हम देखेंगे कि हमें कौन सा गाना अच्छा लगा। तो भाई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। चमकीला चेहरा, डायरेक्ट स्टार्ट। जुल्फे जो चेहरे से हटा ले तू, ओके रात में दिन हो जाए। भाई गाना अच्छा जाएगा लग रहा है। मिला ले तू तो जीना नामुमकिन हो जाए। समझ के परे हुस्न ये तेरा, अचूने को करे क्यों मन ये मेरा। हसा से कई साथ छोड़ मेरा, जमीन पे नहीं कोई तोड़ तेरा। ओके ओके ओके, जो चीज़ मैं लास्ट में बताने वाला था कि इस एल्बम का कौन सा बेस्ट ट्रैक है, तो भाई पार्ट वन का, ठीक है। पूरी एल्बम की याद नहीं कर रहा, पार्ट वन का चमकीला चेहरा इज़ द फकिंग बेस्ट भाई, फकिंग बेस्ट। ये गाने मेरे को होश गाने से भी ज़्यादा अच्छा लगा। इसके जो कोरस चला या हुक चला, भाई क्या बना रहा है भाई बादशाह, क्या बना रहा है। मेरे ख्याल से अब सबके मुंह बंद हो रहे होंगे, अब सबके मुंह बंद हो रहे होंगे, क्योंकि अभी तक बादशाह को सारे, मतलब कुछ टाइम पहले तक कहते हैं तो कैसे बॉलीवुड के लिए कमर्शियल गाने आना था ये वो। भाई क्या कर रहा है ये बंदा भाई, क्या भाई। तुम बादशाह को ना अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, मत करो, ये इंडिया के ओजी से भाई, मत बोलो भाई, मत बोलो। तेरे थ्रिला तो लगे खिला, हाँ कोई हम तुझसे बचा ले। चेहरा है चमकीला महज पीना, आई तो परियों के जहां से। बारी है तेरे थ्रिला तो लगे किलर, हाँ कोई हम तुझसे बचा ले। भाई अलग भाई, जाने जा शायरों ने लिख दी किताबें। ओके खुशबू तेरी से इतर बने, तेरी आंखों से बनती शराबें। तेरी आंखों से बनती शराबें भाई, नशीली आंख। तेरा के सनम है किस नहीं तुम के टिक जाए, हो ईद मेरी तो दिख जाए। मैं लिखता नहीं तो लिखवाए, हाथ तो रख के तू देख, चाहिए जो तुझे मैं कदमों में रख दूं मिला के। चेहरा है चमकीला महज पीना, आई तू परियों के जहां से। बारी है तेरे थ्रिलर तो लगे किलर, हाँ कोई हम तुझसे बचा ले। चेहरा है चमकीला महज पीना, आई तू परियों के जहां से। बारी है तेरी थ्रिलर तो लगे किलर, हाँ कोई हम तुझसे बचा ले। ओके तो आगे भाई ट्यून है, गाना अपना यहीं पे ख़त्म होता है और
करें बात गाने की, पहले भाई हम सिंथ वेव के बारे में बात करते हैं। देखो होता क्या, लाइक जैसे कपड़े हैं, हम फॉर एग्जांपल कपड़े लेते हैं, इनका जो है ट्रेंड वो बार बार ना चल के आता रहता है। लाइक जो पुराने ज़माने में बंदे बेल बॉटम की पैंट्स पहनते थे, वो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो के गई है। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा लोग दोबारा पहनने लगे थे, लड़कियों का फैशन दोबारा आने लगता है, लड़कों के भी शर्ट्स का, जैसे शेक शर्ट्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थी और अभी वो रिसेंटली दोबारा ट्रेंड पे आके गई और अभी भी काफ़ी बंदे पहन रहे हैं। तो ऐसे सिंथ वेव का भी भाई ट्रेंड दोबारा आ चुका था। लाइक अभी हमने बैलो को भी स्पेस नाइट में यूज़ करते देखा सिंथ वेव की बीट, और अभी जो एपी डिलो का गाना आया था एक्सक्यूजेस, वो भी सिंथ वेव पे था। और यहाँ तक कि जो कि हमारे दिलजीत दोसांझ पाजी, जो उनकी मून चाइल्ड एरा आई थी, वो भी पूरी सिंथ वेव थी। तो मतलब ट्रेंड चल रहा भाई, और ट्रेंड जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, और सबने एक नंबर काम किया एक्सक्यूजेस। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा वायरल है, स्पेस नाइट फकिंग बेस्ट, मून चाइल्ड एरा नो डाउट, रेट्रो पांडा सवाल ही नहीं है भाई, सवाल ही नहीं है। और ये जो चमकीला चेहरा गाना भाई, ये पार्ट 1 EP का, यार मैं बार बार EP क्यों बोलता हूँ, पार्ट 1 जो एल्बम है रिट्रो पांडा पार्ट 1, उसका मतलब बेस्ट ट्रैक मेरे को लगा पर्सनली चमकीला चेहरा और एक जुगनू होश, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रैंक वाइज की, तो लाइक फॉर मी चमकीला चेहरा, क्योंकि मुझे इसका जो मेलेडी है, कोरस है, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट पे चमकीला चेहरा, दूसरे पे होश, तीसरे पे जुगनू, एंड लास्ट पे वही अपना क्या बोलते हैं, कौन सा आता है, तबाही, ठीक है। तो ये था मेरा इसका रिएक्शन, और अगर तुम्हें उसका देखना है होश गाने का, तबाही का रिएक्शन देखना, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, और होश गाने का भी मैंने रिसेंटली डाला है। आज के लिए वैसे तबाही, तुम बता देना कि तुम्हें ये रिएक्शन कैसा लगा, गाना कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप बादशाह के फैन हो तो, क्योंकि तुम्हें पता भाई बादशाह खुद मेरी वीडियो पर कमेंट करके जा चुका ऑलरेडी तबाही गाने की रिएक्शन पे। तो आज के लिए वैसे तबाही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। To change up.